आफ्टर न्यूक्लियस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, चैप्टर 4 को प्रोसीड करते हैं और उसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। ज़रा सुनिएगा गोल्जी अपैरेटस किस तरह से पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग और इसकी डिस्कवरी वो एक ही है। क्यों एक है? एक रिसर्च स्कॉलर था, एक साइंटिस्ट था, वो रिसर्च कर रहा था प्लांट सेल में, तो उसको प्लांट सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड फिल्ड बॉडी मिली, उसने उस बॉडी का अपने नाम पर नाम रख दिया। ही वॉज अ इटैलियन साइंटिस्ट और उसका अपना नाम था कैमिलो गोल्जी, और फिर उसने उस फ्लूइड फील्ड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वाली बॉडी का नाम गोल्जी बॉडीज रख दिया। तो ये जो गोल्जी बॉडीज है ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, ये साइंटिस्ट नेम है। अगर हम बात करें मीनिंग की, डिस्कवरी की, फिर हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है ये भी। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। एक फ्लूइड फिल्ड सैक है, बोरियां हैं, थैलियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल अटैच है, एंड दे आर फ्लैटेंड, और जो फ्लैट है तो इन फ्लैटेंड कॉम्प्लेक्स के नेटवर्क को, इन थैलियों के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। अगर हम बात करें इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये रहा सेल, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रहे गोल्जी बॉडीज, और इधर होता है न्यूक्लियस। तो अगर हम इन गोल्जी बॉडीज को, अगर हम इन गोल्जी अपैरेटस को अगर हम बाहर निकालें, तो वो गोल्जी अपैरेटस कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, नजर आएंगे। ये रहा, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ गोल्जी अपैरेटस, ये रहा गोल्जी अपैरेटस का यूनिट। एक एक चीज डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वी, वी का मतलब होता है वेसिकल पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडीज। ये कहलाता है सी, सी का मतलब होता है सिस्टर्ना पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडीज, या हम इसको कहते हैं सेंट्रल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज। तो दिस इज कॉल्ड एज वन यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडीज। मैं आपको बताता हूं, आज एक बात याद रखिएगा, वेसिकल पोर्शन, जहां जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ, ये रहा, जहां जहां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा सेल में, वहां वहां आपको गोल्जी बॉडीज नजर आएंगे, ये रहा। सर ये करते क्या है? एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से बनाता है प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से बनाता है प्रोटीन, और वो प्रोटीन गोल्जी बॉडीज के अंदर आती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस, और वो गोल्जी बॉडीज में आती है। गोल्जी बॉडीज में प्रोटीन ना सिर्फ स्टोर होती है, प्रोटीन मॉडिफाई होती है, और ये गोल्जी बॉडीज का जो वेसिकल पोर्शन है ये टूट टूट कर आगे बनाता है, जिसको कहते हैं लाइसोसोम्स।
लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स, ये वही इंजाइम्स हैं जो सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आएगा वहाँ पर गॉल्जी बॉडीज नज़र आएगा। गॉल्जी बॉडीज के दो पार्ट हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये ऊपर वाला पार्ट है। इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज, इस ऊपर वाले पार्ट का नाम है सिस फेस। इसका नाम सिस फेस क्यों है? बिकॉज दिस पार्ट रिसीव प्रोटीन। अगर हम इस बात की बात करें ये वाले पार्ट की, दिस इज नोन एज वेसिकल पार्ट। इसको वेसिकल पार्ट क्यों कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस फेस। ट्रांस फेस का मतलब होता है कि दिस वेसिकल पार्ट ट्रांसपोर्ट इनटू अ लाइसोसोम। तो गॉल्जी बॉडीज में अंदर की तरफ वेसिकल और सिस्टर्ना होता है, एक्सटर्नल तौर पर ये गॉल्जी बॉडीज का कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ऊपर वाला सिस फेस कहलाता है और नीचे वाला ट्रांस फेस कहलाता है। फिर गॉल्जी बॉडीज को हम डिफाइन करते हैं। गॉल्जी बॉडीज अगर पाया जाए एनिमल सेल में तो उसका नाम क्या होगा? अगर वो पाया जाए प्लांट सेल में तो उसका नाम क्या होगा? ज़रा एक मिनट नोट कीजिएगा। एनिमल के अंदर ये कहलाएगा, हम इसे कहते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। तो एनिमल के अंदर गॉल्जी अपैरेटस को गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर किताबों में देखा है। प्लांट सेल के अंदर गॉल्जी अपैरेटस को ज़्यादातर गॉल्जी बॉडीज के नाम से याद रखते हैं। क्यों इस तरह से इतना बड़ा इनमें डिफरेंस क्यों है? ज़रा एक मिनट नोट कीजिएगा। वो इसलिए कि एनिमल के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स, एक मिक्स्ड या एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर से पाया जाता है। एनिमल में ज़्यादातर ये फ्यूज्ड होते हैं, प्लांट के अंदर ये ज़्यादातर फ्रीली स्टेट में पाए जाते हैं। एनिमल के अंदर ये सिंगल होते हैं, प्लांट के अंदर ये मल्टीपल बॉडीज के नाम से, मल्टीपल बॉडीज की पोजीशन में पाए जाते हैं। एनिमल के अंदर ये कॉम्प्लेक्स सिंगल और लार्ज स्ट्रक्चर के होते हैं, प्लांट सेल के अंदर ये स्मॉलर स्ट्रक्चर के होते हैं, स्मॉलर शेप के पाए जाते हैं। सर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडीज? पहला फंक्शन गॉल्जी बॉडीज का, गॉल्जी बॉडीज सिक्रीट प्लांट सेल वॉल, जिसको हम सेल प्लेट के नाम से याद करते हैं। सर और क्या फंक्शन है? और फंक्शन ये है कि गॉल्जी बॉडीज या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर सिक्रीशन करते हैं सम मल्टीपल हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस मींस हार्मोन्स को और प्रोटीन को करते हैं। गॉल्जी बॉडीज का काम होता है ना सिर्फ प्रोटीन की स्टोरेज करना, गॉल्जी बॉडीज का काम होता है उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करना, उस प्रोटीन की रीमॉडलिंग करना। और सबसे अहम तरीन बात वो ये है कि ये वही गॉल्जी बॉडीज है, ये वही गॉल्जी बॉडीज है जो प्रोटीन को मॉडिफाई रीमॉडलिंग करके यहाँ से, दिस इज द साइट ऑफ लाइसोसोम प्रोडक्शन। लाइसोसोम्स की प्रोडक्शन जो है वो गॉल्जी बॉडी से ही होती है। आफ्टर गॉल्जी बॉडीज हम चलते हैं एन अदर, एक अहम तरीन सेल ऑर्गेनिल की तरफ, जिसका नाम है प्लास्टिड्स। ज़रा सुनिएगा प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड्स की पढ़ते हैं मीनिंग। प्लास्टिड लफ्ज निकला है
प्लास्टिड लफ्ज निकला है पिगमेंट से, और पिगमेंट्स का मतलब होता है कलर, पिगमेंट्स का मतलब होता है डाई। सर आप किस तरह से कह रहे हैं पिगमेंट का मतलब डाई है? अगर मीनिंग के बाद अगर हम चलते हैं डिस्कवरी की तरफ, तो जो गॉल्जी बॉडीज है, जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है वाइसमैन। ये वही साइंटिस्ट है जिसने फोटोसिंथेसिस डिस्कवर की थी। तो प्लास्टिड्स का मतलब होता है पिगमेंट कलर, और डिस्कवरी इसको किसने डिस्कवर किया? वाइसमैन ने। जो मेन चीज़ वो है प्लास्टिड की डेफिनेशन। प्लास्टिड की डेफिनेशन ये है, इट इज इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, इसेंशियल इसेंशियली प्रेजेंट इन ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ये वो है जहाँ से फूड की प्रोडक्शन होती है, जहाँ पर फूड की सिंथेसिस होती है। दिस इज द साइट ऑफ प्लास्टिड्स। फिर मेन चीज जो आगे चलते हैं वो है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? प्लास्टिड की देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, एक दो और तीन। प्लास्टिड की एक टाइप को हम लोग कहते हैं, इट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। एक टाइप को हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक टाइप कहलाती है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड, इसका मतलब होता है इट इज कलरफुल प्लास्टिड, और इसका मतलब होता है इट इज कलरलेस प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट ज्यादातर पाया जाता है लीफी वेजिटेबल्स में, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है फ्रूट्स फ्लावर में, और ये पाया जाता है अंडरग्राउंड पार्ट्स में। क्लोरोप्लास्ट कंसर्न विद फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है by attraction of insects and by attraction of other animals, और जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका काम है फूड की स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट के पास उसका अपना डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एंड दिस डीएनए मॉलिक्यूल नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जो हमने पढ़ना है आपकी बुक के हिसाब से वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर आप क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से है। ये है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये है इंटरनल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर आपको मिलेगा ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेना। ये रहा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेना, और उसके अंदर फ्लूड पोर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। अब जरा देखिएगा कैसे ये कहलाता है इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये कहलाती है इंटरनल मेम्ब्रेन। इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन बनी होती है लाइपोप्रोटीन से। ये बाहर का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इसका फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर है, जहां आपको आरएनए भी मिलेंगे, जहां आपको प्रोटीन भी मिलेगी, और स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन।
याद रखिएगा, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, ये कहलाता है। इसको मिलाकर हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्रेना। ये देखिएगा बेटा, ये रहा ग्रेना की शेप, और ग्रेना के एक यूनिट को हम लोग कहते हैं थैलोकोइट। ग्रेना के एक यूनिट को बोलते हैं हम थैलोकोइट। थैलोकोइट वो जगह है जहां पर लाइट रिएक्शन होता है, और ये एक कॉम्प्लेक्स, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, ग्रेना के अंदर थैलोकोइट, इस थैलोकोइट के अंदर ये एक कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड फील्ड एक सैक। और इस फ्लूइड फील्ड सैक के अंदर आपको गुंबद की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, और इस गुंबद की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्वांटाजोम्स। एक काम करते हैं, इस क्वांटाजोम्स को हम बाहर निकालते हैं। इस क्वांटाजोम्स के अंदर आपको मल्टीपल, छोटे छोटे मल्टीपल पिगमेंट्स मिलेंगे। ये रहे, अगर वो पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में मिलेगा, क्लोरोफिल की फॉर्म में, तो इसका मतलब है वो ग्रीन पिगमेंट है। अगर वो आपको मिलेगा रोडोफिल की फॉर्म में, तो वो रेड कलर का पिगमेंट है। अगर वो आपको मिलेगा साइनोफिल की फॉर्म में, तो वो ब्लू कलर का पिगमेंट है। अगर वो आपको मिलेगा जैंथोफिल की फॉर्म में, तो वो येलो कलर का पिगमेंट है। अगर वो आपको मिलेगा कैरोटीन की फॉर्म में, तो वो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। इस क्वांटाजोम्स के अंदर एक और सेंटर है, ये रहा। इस क्वांटाजोम्स के अंदर भी एक और सेंटर है, ये रहा बेटा। ये क्वांटाजोम्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट का बैकग्राउंड है, और इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। ये वो रिएक्शन सेंटर है जो फोटोन को रिसीव करता है, एंड फोटोन कम फ्रॉम सनलाइट, सन रेज से, सन की रेडिएशन के अंदर होता है फोटोन। कहा ये जाता है कि अगर इमैच्योर प्लास्टिड हो, तो इमैच्योर प्लास्टिड को प्रोप्लास्टिड कहते हैं। इमैच्योर प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, प्लास्टिड्स के बाद एक और सेल ऑर्गेनल को पढ़ते हैं, और उस सेल ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम्स। सबसे पहली चीज मीनिंग, सर राइबोसोम्स को राइबोसोम्स क्यों कहते हैं? राइबो का मतलब होता है ग्रेनुलर, राइबो का मतलब होता है आरएनए, और जोम्स का मतलब होता है बॉडी। ग्रेनुलर बॉडी को बोलते हैं हम राइबोसोम्स। मीनिंग के बाद पढ़ते हैं डिस्कवरी। राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया? अगर हम पढ़ते हैं तो राइबोसोम्स डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जिसका नाम है पैलेट। फिर राइबोसोम्स की डिस्कवरी के बाद राइबोसोम्स की पढ़ते हैं हम डेफिनेशन। राइबोसोम्स की डेफिनेशन ये है कि इट इज स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम्स है, और सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस है, और इट इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह है जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स के बारे में मैं एक बात ज़रूर लिखूंगा,
इट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल सेल। बॉडी में, दुनिया के हर सेल में राइबोसोम्स पाया जाता है। अगर हम राइबोसोम्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो राइबोसोम्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि ये कहलाता है सब यूनिट, इस तरह से ये कहलाता है कप शेप सब यूनिट, ये कहलाता है डोम शेप, ये कहलाता है कप शेप सब यूनिट, ये कहलाता है डोम शेप, ये कहलाता है कप शेप सब यूनिट, ये कहलाता है डोम शेप। और ये आपस में मिले हुए होते हैं थ्रू द राइबोसोमल आरएनए। तो ज़रा देखिएगा राइबोसोम्स को कैसे पढ़ते हैं। इट इज डोम शेप सब यूनिट, इट इज कप शेप लार्ज सब यूनिट, और वो आपस में मिले हुए हैं थ्रू द राइबोसोमल आरएनए से। राइबोसोम्स को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा उसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस। सेल के अंदर राइबोसोम्स डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन से पाया जाता है। राइबोसोम्स पाया जाता है तीन अलग अलग फॉर्म में। दे आर प्रेजेंट इन फ्रीली फॉर्म। नंबर टू, दे आर प्रेजेंट इन चेन लाइक। नंबर थ्री, दे आर प्रेजेंट अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज़रा देखिएगा राइबोसोम्स सेल के अंदर फ्री फॉर्म में इस तरह से पाया जाता है। ये रहा राइबोसोम्स प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड और डिस्पर्स इन ऑल साइटोप्लाज्मिक एरिया। ये साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाया जाता है। दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सेल। ये सेल की विस्कोसिटी में हेल्प करता है। किसी किसी जगह पर राइबोसोम्स इस तरह से पाया जाता है। ये रहा, ये कहलाती है राइबोसोम्स की चेन इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसोम्स। ये एक लॉन्ग सब यूनिट राइबोसोम्स के होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो राइबोसोम्स इस चेन की फॉर्म में भी पाया जाता है। इस चेन वाली फॉर्म को, राइबोसोम्स को हम पॉलीसोम्स कहते हैं। फिर राइबोसोम्स कौन सी फॉर्म में पाया जाता है। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर आपको राइबोसोम्स मिलेगा इस फॉर्म में, और इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ना सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ना सिर्फ प्रोटीन की स्टोरेज करते हैं, जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन भी करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको, सारे स्टूडेंट को ये याद रहे कि न्यूक्लियोलस, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियोलस इज़ अ साइट ऑफ राइबोसोम्स सिंथेसिस। राइबोसोम्स की सिंथेसिस बेटा कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में होती है। फिर राइबोसोम्स के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेंट्रियोल्स। ये रहा सेंट्रियोल्स की मीनिंग कुछ इस तरह से है कि हम लोग इसको सेंट्रोसोम्स से याद करते हैं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स किस तरह से पढ़ा जाएगा ज़रा देखिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग। सेंट्रोसोम्स की मीनिंग होती है स्टार शेप। इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी और उस साइंटिस्ट का नाम था कॉल्स ऑफ।
ही वॉज अ रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो मेन चीज वो है डेफिनेशन। अगर हम सेंट्रोसोम्स की बात करते हैं तो इट इज स्टार शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग विथ न्यूक्लियस। स्टार शेप स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के साथ आपको ज्यादातर नजर आएगा एंड दे प्रोमिनेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। अगर हम चलें इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ तो थोड़ा सा आइडिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ये है, ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस। आपको नज़र आएगा along with star shape structure, this is called as centrosomes। आप सारे student जरा अपना idea clear कीजिएगा। अगर हम इस centrosomes को देखें, अगर हम इस centrosomes को देखें electron microscope में, तो ये centrosomes नजर आएगा कुछ इस तरीके से कि एक इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर ये स्टार शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये रहा। तो एक सेंट्रोसोम्स इट इज कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अरेंज परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर अटैच है। ज़रा इसमें से मैं एक को बाहर निकाल कर देखता हूँ तो वो ये रहा। और इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रियोल्स। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए के एक सेंट्रोसोम्स में दो सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सेंट्रियोल्स के अंदर छोटे छोटे आपको मिलेंगे, सेंट्रियोल्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स। अगर आपने इसको पढ़ना है तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़कर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन या हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं। सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन, सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन किस तरह से होगा वो ये रहा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, आपको मिलेंगे 9 ट्रिपलेट्स, ये रहे, आपको मिलेंगे 9 ट्रिपलेट्स और बीच में डुप्लेट्स। ये देखिएगा बेटा, ये सब मिलाकर कहलाते हैं 9 ट्रिपलेट्स जो पेरिफेरल रीजन में है, और ये मिलेगा 1 डुप्लेट जो सेंट्रल रीजन में है। तो यहाँ रखिएगा, ये रहा सेंट्रोसोम्स स्टार शेप स्ट्रक्चर, दे कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नोन एज सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल का कहलाता है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सर सेंट्रियोल काम क्या करता है, सेंट्रियोल का काम है माइटोटिक फाइबर्स में बनाना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये देखिएगा, ये रहा सेल, और ये अटैच हैं, ये रे क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो अटैच हैं इनको कहते हैं क्रोमोसोम अटैच इनटू अ इक्वेटोरियल प्लेट, या इसको बोलते हैं माइटोटिक प्लेट, और वहां से निकल रहे हैं
सेंट्रियोल्स के फाइबर्स। ये देखिएगा, ये ए पोल, ये बी पोल, कुछ पोल टू पोल चलते हैं, ये रहे ए पोल बी पोल, कुछ पोल से इक्वेटर तक होते हैं, ये रहे फाइबर्स, और कुछ पोल में ही रहते हैं। ज़रा मेरी बात समझिएगा, ये कहलाते हैं फ्रॉम पोल टू पोल। इनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज कंप्लीट फाइबर्स। ये वाले कहलाते हैं, दिस इज नोन एज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट फाइबर, एंड दिस इज प्रेजेंट ओनली इन पोल। और इस जो सिर्फ पोल में होता है, हम इनको कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स। तो याद रखिएगा, एक होता है जिसको कहते हैं कंप्लीट फाइबर्स फ्रॉम पोल टू पोल, एक कहलाता है जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट फाइबर्स फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, और नंबर थर्ड जो पोल में अटैच होते हैं एस्ट्रल, और यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आप ज़रा एक मिनट देखिएगा, ये कैसे अटैच होते हैं क्रोमोसोम से, ये रहा क्रोमोसोम्स, ये रहा सेंट्रियोल, जो अटैच होते हैं फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, वो इस तरह से अटैच होते हैं, ये रहे। तो जो माइटोटिक फाइबर हैं, जो आप कह सकते हैं जो स्पिंडल फाइबर हैं, वो अटैच होते हैं सेंट्रियोल से, और सेंट्रियोल के अंदर भी डिस्क लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या होता है, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर से जाकर अटैच होते हैं और ये हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो आज के बाद याद रखिएगा कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या फ़र्क है। एक सेंट्रोसोम्स के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, और वो सेंट्रियोल्स के अंदर 9 triplet 1 duplet होते हैं, और वो मिलाकर आगे सेल डिवीजन में माइटोटिक फाइबर में स्पिंडल फाइबर में हेल्प करते हैं। जो पोल टू पोल जाए वो कंप्लीट, जो पोल टू इक्वेटर जाए वो इनकम्प्लीट, और जो सिर्फ पोल में रहे वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एस्ट्रल फाइबर। तो हमारे सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, एक सेल ऑर्गेनल हमने पढ़ा जिसका नाम था गॉल्जी अपैरेटस। गॉल्जी अपैरेटस को गॉल्जी अपैरेटस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट नाम है, कैमिलो गॉल्जी ने डिस्कवर किया था। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका ये है कि इसके इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं वेसिकल, और ये कहलाता है सिस्टर्ना, ये सिस फेस, और ये कहलाती है ट्रांस फेस। ट्रांस फेस क्यों, क्योंकि यहाँ से वेसिकल ट्रांसपोर्ट होकर बनता है लाइसोसोम, जो हेल्प करता है सेलुलर डाइजेशन में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में। एनिमल और प्लांट सेल में अलग नाम है, एनिमल सेल में इसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, प्लांट के अंदर गॉल्जी बॉडीज कहते हैं। गॉल्जी बॉडीज प्लांट में सेल प्लेट बनाती है, एनिमल में हार्मोन्स। ये मॉडिफिकेशन रीमॉडलिंग में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड्स पिगमेंट्स को कहते हैं, वाइसमैन ने डिस्कवर किया, इट इज इसेंशियली प्रेजेंट इन ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिड की तीन टाइप्स हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। अंदर होता है स्ट्रोमा, बाहर होता है ग्रेना। ग्रेना के अंदर होता है थैलोकोइट, थैलोकोइट के अंदर क्वांटाजोम्स, क्वांटाजोम्स के अंदर पिगमेंट्स, और इसके अंदर रिएक्शन सेंटर। इमैच्योर प्लास्टिड को प्रोप्लास्टिड कहते हैं, प्रोप्लास्टिड। फिर आगे चलते हैं राइबोसोम्स, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल है, ये एक्सटर्नल तौर पर प्रेजेंट है, ये इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। दे आल्सो प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म चेन पॉलीजोम्स और अटैच विद रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम। सेंट्रोसोम्स स्टार शेप स्ट्रक्चर है, ये आपको नजर आएगा अलॉन्ग द न्यूक्लियस, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना, ये रहा सेंट्रियोल।
इस सेंट्रियोल के अंदर 9 triplets, 1 duplets होते हैं माइक्रोफिलामेंट, इससे बनता है स्पिंडल फाइबर और क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोल की अरेंजमेंट ये है। तो हमारे ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स और ख़त्म हुए।